0% से लेके 100% तक डीएलएड की तैयारी कैसे की जा सकती है और एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएलएड की परीक्षा को पास किया जा सकता है विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स कैसे, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे डीएलएड की परीक्षा की तैयारी 0% से लेकर 100% तक परफेक्टली की जा सकती है। इस वीडियो में बताऊंगा कुछ खास पॉइंट्स और कुछ बातें जिनको आप फॉलो करके अपने टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इन्हें क्या कर सकते हैं डीएलएड की परीक्षा में अपना सकते हैं अपनी पढ़ाई में, और ये ट्रिक्स आपको 100% मदद करेंगी आपकी डीएलएड की पढ़ाई इसको बूस्टअप करने में, यानी 0% से 100% तक आप डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं और निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ आप डीएड की परीक्षा को पास कर सकते हैं। जी हां, तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, तभी आप सारी बात जान पाएंगे। शॉर्ट वीडियो है, बहुत आसानी से देख पाएंगे, हो सकता है आपकी ये वीडियो डीएड परीक्षा में आपको कामयाबी दिला दे। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, और हर विषय का वीडियो लेक्चर, हर विषय का, हर इकाई का एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, उत्तरी जितना भी होता है सबका वीडियो लेक्चर बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्रत्येक विषय का डीएलएड का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सबका वीडियो मिल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं डीएलएड में 0% से लेकर 100% की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, आपको 0% से लेके 100% की तैयारी के लिए, जी हाँ, 0% से अगर आपको 100% तैयारी करनी है तो आपको जरूरी हो गई कुछ खास चीजों की। सबसे पहली बात, जो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, यानी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपके पास कितना समय बचा है, इस प्लान के हिसाब से आपके पास कितना टाइम बचा है, आप कितना समय शेष है, उस समय के हिसाब से आप अपना विषय प्रिपेयर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप प्रथम वर्ष के हैं तो आपके 10 सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, आपके 10 विषय होंगे, और अगर आप द्वितीय वर्ष के हैं तो आपके पास 8 विषय होंगे। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई आपको डीएड की परीक्षा जो है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको 10 विषय पढ़ने हैं पूरे, और 10 के 10 विषयों में पास होना जरूरी है। आपको 8 विषय पढ़ने हैं, 8 के 8 विषयों में पास होना जरूरी है। तो ये पास होने के लिए आपके पास सबसे पहले एक प्लान होना चाहिए, आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मान लेते हैं हमारे पास डीएड की परीक्षा में 5 महीने बाकी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 महीने में 2 सब्जेक्ट, यानी 15 डेज में पर सब्जेक्ट, यानी 15 डेज में भाई 15 दिन में एक विषय कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, ये आपका टारगेट होना ही चाहिए, याद रखिएगा कि 15 दिन में भाई आप एक विषय कंप्लीट कर ही लेंगे तभी आपका टारगेट पूरा होगा, तभी आप 10 विषयों को एकदम समय पर खत्म कर पाएंगे, उनका रिवीजन कर पाएंगे और डीएलएड में निश्चित रूप से 90% ला पाएंगे। तो ये सबसे पहली बात जो आपके पास होने ही चाहिए कि आप एक बढ़िया प्लान बना लें। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो अभी इस महीने के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो मार्च, अप्रैल, मई आपके पास 3 महीने बचते हैं, यानी आपके पास कुल दिन बचते हैं 90, यानी कि लगभग 90 दिन, 100 दिन बचते हैं। तो 100 दिनों में आप 10 सब्जी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक विषय को आपको 10 दिन देने होंगे। कुछ विषय ऐसे होंगे जिनको आप 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी होंगे जैसे प्रोफेशन इंग्लिश, पेडागॉजी इन इंग्लिश, जो 10 दिन में कंप्लीट नहीं होंगे तो उनको 12 दिन लगेगा। तो याद रखिए, पूरा मिलाकर ऑन एन एवरेज आपको 100 दिनों में 10 विषयों की तैयारी कर लेनी है, तभी आप डीएड का कोर्स पूरा समय पर खत्म कर पाएंगे। और दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, याद रखिएगा आपके पास मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, आपके पास स्टडी मटेरियल होना ही चाहिए, वरना आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, सबसे जरूरी चीज ये है। टाइम तो वैसे भी सबके पास हो ही जाता है डीएलएड करने के लिए, क्योंकि अगर आपने एडमिशन लिया डीएलएड में तो परीक्षा तो देनी है, परीक्षा देनी है, इसका मतलब आप इसको समय जरूर दोगे। तो समय दोगे तो कहां दोगे समय, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख भर लेने से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब के सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से आपको टॉपिक के नाम पता चलेंगे, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, लेकिन उसे लिखना किस तरह से है, क्या पॉइंट वाइज लिखना है, यह सब जानकारी आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, याद रखिएगा स्टडी मटेरियल में आपके पास क्या इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स, और दूसरा लाइव क्लास, याद रखिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है, लाइव क्लास। ये दो चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप नोट्स परचेस करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो डेली, तो आप बिल्कुल क्लास की तरह, जैसे आपने 10वीं में परीक्षा दी थी, 12वीं में परीक्षा दी थी क्लासेस अटेंड करके, बिल्कुल वैसे ही आप परीक्षा देके 90% स्कोर कर सकते हो। तो जी हाँ, आप सभी लोग नोट्स जरूर परचेस करें। अगर आप डीएलएड के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको डीएलएड का फुल कोर्स, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस, सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस, सभी विषयों के एक एक विषयवार नोट्स पूरे अवेलेबल है, बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम कॉस्ट में। तो ऊपर
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें नोट्स लेने के लिए। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं आप, हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं, पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो नोट्स के साथ लाइव क्लासेस जो है आपको मिल जाते हैं, तो ये मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप पढ़ सको। वरना कई स्टूडेंट डीलर में एडमिशन ले लेते हैं पर उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उनके विषय कितने हैं, उन विषयों के नाम क्या है, विषयों का कोड क्या है, विषय में इकाइयां कितनी है, ब्लूप्रिंट क्या है, यह सब कुछ पता नहीं होता है। यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, वीडियो चेक करोगे, चैनल पर जाओगे तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर जुड़े हो शुरू से अंत तक तो 100% गारंटी आप बीएड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करोगे ही। और थोड़ा डिटेल में पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, लाइव क्लास डेली करो और नोट्स परचेस करके पढ़ो तो 90% भी निश्चित रूप से आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो ये दूसरी बात भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि आपके पास प्लान होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तो आप 0 से 100% की तैयारी कर पाओगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बात और इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा PYQs। जी हां, आपको PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी डीएलएड के पुरानी छह में जो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और खुद के भी नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो ये तीन बातें जो है याद होनी चाहिए। पहली बात कौन सी कि आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कितने विषय को कितने समय में खत्म करना है, दूसरा आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए और स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास नोट्स और लाइव क्लासेस होने चाहिए। अगर ये दो चीजें आप अपनाते हैं और आपके पास बढ़िया प्लान है आपके 10 विषय या फिर 8 विषय खत्म करने का, और तो तीसरा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो गारंटेड है कि आप 80% क्रॉस कर जाएंगे, 80% 90% भी क्रॉस कर जाएंगे। जी हाँ, हमारे चैनल पर आप कितने कमेंट्स पढ़ेंगे, रिव्यूज देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहेंगे 90% बनाए, 80% बनाए सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स पढ़कर। जी हाँ, 90% क्वेश्चंस हमारे ही नोट्स से आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। पिछले साल लगभग 3000 बच्चों ने एमपी बोर्ड में जो जगह बनाई, 90% से ज्यादा लाया एमपी डीएलएड में, तो वो हमारे ही चैनल से थे, हमारे स्टूडेंट। टॉप 10 में हमारे 6 स्टूडेंट्स मौजूद थे एमपी डीएलएड में, मेरिट लिस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट हमारे ही चैनल से पढ़े हुए, हमारे ही नोट्स के द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट थे। उन्होंने कुछ हमारी लाइव क्लासेस अटेंड की और कुछ लोगों ने हमसे नोट्स परचेस किए थे। तो इस बात को जरूर में ध्यान रखें, हमारा मटेरियल है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे कमेंट चैनल के कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, किसी भी स्टूडेंट से आप मिलेंगे तो यही बात आपको पता चलेगी। ठीक है, तो इतना तीन चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी 0% से 100% से निश्चित तौर पर हो जाएगी। और एक बोनस के रूप में बात बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि आपको नोट्स के ऊपर खासा ध्यान देना है, क्योंकि आप कितना भी वीडियो देख लो, आप कितनी भी बातें सुन लो, लेकिन आपको लिखना तो क्वेश्चन आंसर ही है, आपको लिखना तो प्रश्न उत्तर ही है, इस बात को ध्यान में रखिए। और कई विषय तो ऐसे जहां पे 20-20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, और कई विषय ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखना है। तो प्रत्येक इकाई का, प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, ये हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां भी आप देख सकते हैं। गेस पेपर कैसा होता है, मॉडल पेपर कैसा होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। ठीक, तो ये मैंने तीन बातें जो बताई, पहला कि आप टाइम टेबल बना लीजिए अपना, एक विषय होना चाहिए आपका, किस विषय को आप कितना समय देंगे प्लान बना लीजिए, दूसरा आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए यानी किस मटेरियल से आप स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, और दूसरा लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास अटेंड करो ताकि आपका दिमाग उसी में घुसा रहे और आप टर्म्स को याद कर लो और आपको पता रहे कि किस विषय में कितने नंबर आपका आता है, कैसे आता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, हमारे नोट्स जरूर परचेस करें, नोट्स परचेस के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम कीमत पर, सभी 10 विषयों के, सभी 8 विषयों के। जी हां, और ये तीन प्लान आप फॉलो करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो, तो गारंटेड आप 90% बना लोगे डीएड की परीक्षा में। तो स्टूडेंट ये थी स्ट्रेटेजी 0% से लेकर 100% तक डीएड की परीक्षा में तैयारी की। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दें। स्टूडेंट्स अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां से आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।